अभी हम लोग आ चुका है क्या ये था श्रीमंत ऑडिटोरियम। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुका है जो कि आज का हम लोग का ट्रेनिंग जिसके लिए हम लोग आया है मिलने डॉक्टर उज्जल पटनी सर ऑलरेडी आ चुके कल रात ही, तो उसका ट्रेनिंग है आज, उसका सेशन अटेंड करने के लिए हम लोग बासिका जितना दूर आया है। तो ये मेरा साथी लोग हैं, बहुत सारा जगह जगह से आए लेकिन ये मेरा साथी लोग है जो अभी हम लोग एंटर करने वाला है, गेट का बाहर है तो अभी हम लोग एंटर कर लेगा, टिकट कन्फर्म कर लेगा सब कुछ। सो ये ब्लॉग बहुत ही ऑसम होने वाला है जो कि डॉक्टर उज्जल पटनी वाज वन ऑफ द इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ऑथर एवरीथिंग। तो उसका थोड़ा लाइव वीडियो आपको भी हम दिखा देगा सर क्या है कहाँ से है सब कुछ, और क्या क्या सर आज का इस सेशन में सर ने क्या सिखाया उसको भी आपको दिखा देगा। और आज का ब्लॉग वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाला है, देख सकते हैं चारों तरफ से आया है, नागालैंड मणिपुर मिजोरम आसाम चारों तरफ से आया है। तो जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ आज का ये ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो यहाँ पे चारों तरफ से देख सकते हैं आप, पूरा चारों तरफ भर्ती है आज का इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, डॉक्टर उज्जल पटनी को मिलने के लिए चारों तरफ से आया है भर्ती है। हम लोग ये डाइनिंग हॉल पे आया है, थोड़ा चाय पी लेगा। तो जी हाँ, जो कि अभी स्टेज पे आने वाले हैं हमारे वैश्विक फ्यूचर के कार अचीवर्स, तो इसी बात पे एक बार जोरदार ताली।
ऊपर से चाहिए कि एकदम डीप लर्निंग चाहिए। डीप लर्निंग, डीप, यस। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे एजुकेटेड, सबसे हाइपर एक्टिव एरिया है। सो यहाँ पर सुपरफिशियल देने से काम नहीं चलेगा। सो वी विल गो डीप, वी विल गो कंक्रीट, सो दैट यू कैन क्रिएट योर लाइफ, यू कैन क्रिएट बिजनेस फॉर नेक्स्ट 20, 30, 40, 50 इयर्स। आर यू रेडी? यस। अमेजिंग। तो चलिए, अब वीमेन पावर यहाँ मैं देख रहा हूँ। हम बाकी पूरे इंडिया में जाते हैं तो हम वहां पे लोगों को ये बोलते हैं, हस्बैंड्स को ही बोलते हैं कि भाई अपने लाइफ पार्टनर्स को बिजनेस में लाओ। वहां पे 95% मेल होते हैं और 5% फीमेल होती है। यहाँ पे 90% फीमेल है, 10% मेल है। तो असली विमेन पावर यही है। आई एम श्योर आप में से कितने लोग रिच होना चाहते हैं? सब। अच्छा, बाकी होना भी नहीं चाहते? बड़ा उम्मीद ही नहीं होगी ना होंगे करके। अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रहेगा, भगवान बनाएंगे आपको सफल। सो कितने लोग रिच होना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग एक शानदार बड़ी वाली गाड़ी लेना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग बहुत सारी कंट्रीज देखना चाहते हैं? तो कभी आप सोच के देखो कि हर आदमी ऐसा चाहता है, लेकिन फिर लोग हासिल क्यों नहीं कर पाते? व्हाट इज द मेन रीजन? क्यों? माय लास्ट ट्राई। मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे, हेलो। अरे प्रभु, देर इज ओनली वन न्यूमेरिकल, एक बार, वंस। अब आजू बाजू वाले को सुधार लेना जरा, हेलो। आजू बाजू वालों को सुधारो थोड़ा, जब टीम ट्रैक पर नहीं रहे तो थोड़ा सुधारना पड़ता है। हेलो हेलो, 6 बार लगा सुनने में। एंड व्हाट वी थिंक, वी आर ग्रेट लिसनर्स, आवर वर्स्ट क्वालिटी इज लिसनिंग। तो अभी सेशन ब्रेक हुआ है हम लोग का, डॉक्टर उज्जवल सर का। तो अभी हम लोग को लंच ब्रेक दिया गया है, तो अभी हम लोग लंच करके आफ्टर डेट 1 घंटा का फिर से उसका लास्ट सेशन आज का होगा। तो ये मेरा टीम है, मेरा 2 साथी लोग हैं। तो अभी हम लोग लंच करने के लिए जा रहा है। सो चलो गाइस, इस तरफ से। ओ सर, ये गाड़ी से आया है? वो है ना, ये तो वो लग के, वो लग के। सो यू कैन ट्रांसलेट इट इन योर ओन लैंग्वेज, कंफर्टेबल लैंग्वेज। तो मेरे साथ आप बोलेंगे, मैं अपनी जिंदगी का 100% मालिक हूँ। मैं अपनी जिंदगी का 100% मालिक हूँ। और अंदर से आवाज आना चाहिए, पेट से, लंग से, लीवर से, किडनी से, स्प्लीन से, है? ऐसा नहीं खाली वोकल कोर्ट से आ रही है। मैं अपनी जिंदगी का 100% मालिक हूँ। मैं अपनी जिंदगी का 100% मालिक हूँ। अब सोचो, कई लोग अपना हाथ जेब में रख के बोल रहे हैं, ये ऐसे हुआ, मोदी जी ऐसे अपील कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अरे भाई हाथ तो ऐसा करो कम से कम, मैं अपनी जिंदगी का 100% मालिक हूँ। मैं अपनी जिंदगी का 100% मालिक हूँ। Once more, मैं अपनी जिंदगी का 100% मालिक हूँ। ओ भाई चश्मे वाले, तुम हाथ ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके तुम सोच रहे हो, मेरे को समझ नहीं आएगा कि तुम्हारा वॉल्यूम बाहर नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे ऐसे जुगाड़ू लोग होते हैं दुनिया में जो हाथ ऊपर करके कोई मन में पैसे दे जाएगा। धवन जी, कुछ के चेक इस बार मन में काटने अपने। ठीक, सो आई स्टार्ट इट वंस अगेन। मैं अपनी जिंदगी का 100% मालिक हूँ। मैं अपनी जिंदगी का 100% मालिक हूँ। जब आप ये बार बार बोलेंगे ना, तो किसी और के बोलने से प्रभावित होना, किसी और के बोलने से निर्णय बदलना, किसी ने थोड़ा बहुत बोला तो डिप्रेस हो जाना, ये सबसे आप फ्री होंगे। बिकॉज अगेन एंड अगेन यू आर ऑटो सजेस्टिंग योर माइंड, तुम इसको फॉलो करो। दिस इज व्हाट इज द ट्रूथ। जो भी मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में वही होता है। जो भी मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में वही होता है। स्टाइल में बोलो, जो भी मैं चाहता हूँ ना मेरे जीवन में वही होता है। स्टाइल में, जैसे अपने किसी दुश्मन को समझा रहे हो डिबेट में, जो भी मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में वही होता है।